इजी टू डिजाइन में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे चैम्फर टाइप में, वर्टेक्स चैम्फर, ऑफसेट फेस चैम्फर और फेस फेस चैम्फर। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली लेक्चर में हमने एंगल डिस्टेंस 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 टाइप चैम्फर सीखा था। चैम्फर 3 को डिलीट कीजिए, फ्यूचर्स पे क्लिक करें। यहाँ पे डिलीट कमांड का आइकन दिया गया है, इसके नीचे इस एरो पे क्लिक करें और चैम्फर पे क्लिक करें। चैम्फर टाइप में सेलेक्ट कीजिए वर्टेक्स चैम्फर और आइटम्स टू चैम्फर वाले बॉक्स में क्लिक करें। यहाँ पे आप वर्टेक्स पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, जिस वर्टेक्स पॉइंट पे आप चैम्फर अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे हम इस वर्टेक्स पॉइंट पे चैम्फर अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पॉइंट को सेलेक्ट कीजिए और इसे नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए। चैम्फर पैरामीटर्स में दो टाइप दिया गया है, पहला इक्वल डिस्टेंस और दूसरा D1, D2 और D3 का डायमेंशन। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनपुट करेंगे। पहले हम इक्वल डिस्टेंस वाला वर्टेक्स चैम्फर सीखेंगे, तो इक्वल डिस्टेंस वाले बॉक्स में क्लिक करें और डायमेंशन इनपुट कीजिए। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डायमेंशन इनपुट करें, हम यहाँ पे 40 mm एंटर करेंगे। यहाँ पे सारे डायमेंशन इक्वल होंगे, D1, D2 और D3। ओके कीजिए। तो ये देखिए वर्टेक्स चैम्फर अप्लाइड हो गया। चैम्फर 1 पे राइट क्लिक करें और एडिट फीचर पे क्लिक करें। इक्वल डिस्टेंस वाले बॉक्स को अनटिक कीजिए और यहाँ पे इनपुट कीजिए D1 20 mm एंटर, D2 25 mm एंटर और D3 30 mm एंटर और ओके कीजिए। तो ये देखिए D1, D2 और D3 का डायमेंशन इनपुट करके हमने वर्टेक्स चैम्फर अप्लाई किया। चैम्फर 1 को डिलीट कीजिए, फ्यूचर्स फिलिट कमांड के नीचे इस एरो पे क्लिक करें और चैम्फर पे क्लिक करें। चैम्फर टाइप में सेलेक्ट कीजिए ऑफसेट फेस चैम्फर और आइटम्स टू चैम्फर वाले बॉक्स में क्लिक करें। यहाँ पे हम एज सेलेक्ट करेंगे, तो हम ये एज सेलेक्ट करेंगे और इसे नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए। चैम्फर पैरामीटर्स में दो टाइप दिया गया है, सेमेट्रिक और एसेमेट्रिक। सेमेट्रिक में दोनों डायमेंशन इक्वल रहेंगे, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनपुट करें। जैसे हम यहाँ पे 20 mm एंटर करेंगे और ओके कीजिए। तो ये देखिए ऑफसेट फेस चैम्फर अप्लाई हो गया। चैम्फर 2 पे राइट क्लिक करें और एडिट फीचर पे क्लिक करें और इसे डिलीट कीजिए। यहाँ पे आप फेस भी सेलेक्ट कर सकते हैं और ओके कीजिए। तो ये देखिए सेलेक्टेड फेस पे ऑफसेट फेस चैम्फर अप्लाइड हो गया। चैम्फर 2 को डिलीट कीजिए, फ्यूचर्स पे क्लिक करें, फिलिट कमांड के नीचे इस एरो पे क्लिक करें और चैम्फर पे क्लिक करें और चैम्फर टाइप में सेलेक्ट कीजिए फेस फेस चैम्फर। इसमें आपको दो फेस सेलेक्ट करने होते हैं, पहला बॉक्स में पहला फेस और दूसरा बॉक्स में दूसरा फेस। तो हम पहला बॉक्स में क्लिक करेंगे और पहला फेस सेलेक्ट करेंगे, तो हम ये फेस सेलेक्ट कर लेते हैं। दूसरा बॉक्स में क्लिक करेंगे
और दूसरा फेस सेलेक्ट करेंगे, तो हम ये फेस सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये देखिए चैम्फर का प्रीव्यू दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे चैम्फर अप्लाई हो रहा है। आप चाहें तो ये फेस भी सेलेक्ट कर सकते हैं और इसे नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए। चैम्फर पैरामीटर्स में मेनी टाइप्स दिया गया है, साइमेट्रिक, ए साइमेट्रिक, तो हम साइमेट्रिक सेलेक्ट करेंगे और इसका डायमेंशन आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनपुट करें। हम यहाँ पे 25 mm एंटर करेंगे और ओके कीजिए। तो ये देखिए सेलेक्टेड फेस पे फेस फेस टाइप चैम्फर अप्लाइड हो गया। बहुत आसान है, आप प्रैक्टिस करते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।